नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और आज जो है मैं सुबह सुबह देखो जल्दी ही रोजाना की तरह धाम पर पहुंच चुका हूं और गायों को जो है पूरी तरह संभालने के बाद आज मैंने सोचा है कि भाई एक काम थोड़ा सा करवा लेते हैं। ये जो पड़ोसी है हमारे शंकरलाल पड़ोसी है उसको भी बुलाया है, साफ करो जाली तीन लागेड़ी यहाँ आमुंदो घेर लियो एकदम। ये ठाण जो बाड़े के अंदर लगा हुआ था ये कोई काम नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो इसको उठा करके इधर ले करके आते हैं। देख रहे हैं जो बालाजी की ध्वजा लहरा रही है एकदम कॉर्नर के ऊपर, और इस कॉर्नर पर यहाँ से लेकर के एकदम सीधी लाइन लगाते हैं ठाणों की के इस प्रकार से, ये यहाँ से चालू करेंगे। देखो यहाँ से खंबे की एन सीध में जाना चाहिए ठाण में लीक काटू थोड़ा सा और उठने कर शंकर ओ भागो दबो ही नहीं लो ए रगड़ के दाब दो सीध में करोगे एकदम ठीक है क्या एक मिनट रुक इन थोड़ा सा बिन लियो पहला बाद में तय हो इन लियो थे इन तो की लकड़ी है नहीं लियो थे ओ भाई लेना है एक और दो लकड़ी बीच का मानी चाहिए अरे का कितनी है नाप कर लियो मैं दो लकड़ी आनी चाहिए आगे ले खड़ो हां आगे दो नाप लो दो एक नाप कट कर लियो एक थोड़ा सा खेचो आगे बस अरे अरे बड़ो ले गया अच्छा बस 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 हाँ बस ठीक है। तो इस तरह से ये ठाणों की एक लाइन सेटिंग की जा रही है मेरे YouTube परिवार, पूरे के पूरे ठाणे इसी प्रकार से लगवाएंगे ताकि गाय आराम से चर सकें और गाय चारों तरफ घूम भी सकें। और ये जो आप देख रहे हैं ये ठाण जहाँ पर लगे हुए थे वो जगह मतलब पक्की पड़ गई है, तो पक्की हो जाने की वजह से अब और दूसरी जगह लगाने से और पक्की हो जाएगी इस प्रकार से। और पानी का टैंकर भी आ गया है, देखो पानी का टैंकर अभी अभी आया है। पानी का टैंकर जो है अभी अभी आया है। पानी का टैंकर खाली करवा देते हैं खेड़ में। शंकर इतनी इतनी जेटा गेरन कौन थको यार, पांच सात ठाण सरकवाणो थक गयो कह, मेरे तो हाथ दुख आंगली दुख है गे। ओ आंगली अड़ा ना वे ठाणा में हाँ हाँ सूझ रही है ये थोड़ा बार है भाई सही है हाँ करो सही कर दो और कर दिया थोड़ा लाल अभी बाद में कर दिया एक ठाण और बीच में आसी बोल गाओ इन्हें नाले जो ही तो टैंकर पानी का आ गया है। और देखो खेल जो है भरी जा रही है, थोड़ी सी खाली है। और ठाणों का जो सेटिंग हमने किया है देखो एकदम सही से, छोटे वाले ठाण हैं जो टीन शेड के नीचे रख दिए हैं क्योंकि रात को ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये आराम से चर सकें, इनको कोई समस्या न हो। ये रात को भी चर सकते हैं दिन में भी चर सकते हैं, जब भी इनकी इच्छा है तब चरें और पास में ही खेल है, खेल पर आकर के पानी पिएं और टीन शेड के नीचे बैठें आराम से चारों तरफ घूमें, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले जो ठाण हैं
जो ज़्यादा थोड़े ऊंचे हैं उन ठाणों को वहाँ पर जो है लाइन पूरी की पूरी लगा दी है, गाय सारी चर सकती है उनमें, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट कितना दिन पहले ले आया थे टैंकर? है 3-4 दिन हो गया लगभग, कम ही लग गया। नहीं रोजाना टैंकर मंगाना पड़ता हो तो, ताकि 3-4 दिन से अब टैंकर आ रहा है, क्योंकि पानी जो है गाय कम ही पीती है। सर्दी का मौसम आ गया है, एक खेल फुल वरीजगी है और दूसरी खेल पर लगाओ। तो मेरे यूट्यूब परिवार, आप जो देख रहे हैं वही सत्य है, और जो सत्य है वही दिखाया जा रहा है। जो भी ज़मीनी हकीकत यहाँ पर है वो मैं आपको प्रतिदिन दिखा रहा हूँ, और आप देख करके बहुत ही हर्षित होते हैं, बहुत ही मतलब शुभकामनाएं साधु जर्नी को देते हैं, और साधु जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारा हौसला है, और यही हमारा जो काम करने का जो कर्तव्य है, तरीका है, वो कार्य कर रहा है। ये जो ठाण है ये सही तरीके से नहीं लगे हुए थे, आज इनको जो है यहाँ से देखो ये ज़मीन नीचे से खोद करके और मैंने सही तरीके से करवाया है, इसको एकदम सही सेटिंग करवाया है, ताकि यहाँ पर रात को बैठने वाले जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं वो इनमें आराम से चर सकें, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है बहुत ही कम रखी गई है, वैसे भी कम रखी गई है और नीचा और करवा दिया है, तो यहाँ चर भी सकते हैं और यहाँ पर बैठ भी सकते हैं आराम से। तो इनको सेटिंग करवा दिया है, पाँचों ठाण, ये जो छोटी साइज के 5 ठाण हैं, इन 5 ठाणों को एकदम सही लगवा करके, और बाद में हमने जो ये लाइन लगाई है बड़ी बड़े वाले जो ठाणों की, वो लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अड़मान है अब इन आ भाई, इन आगे आने जी, थोड़ा बहुत ही टेढ़ा है, नहीं टेढ़ा है जकान सही कर, मतलब है तू तेरा हाथ तू जोर गणो ही है, तेरे में ताकत है 3 जानगी। अन यहाँ ठाणा ने एकदम रगड़ दे, मतलब यहाँ भला आगे रगड़ दे नीचा, ताकि गाया इन्हें भी ने थोड़ा बहुत मतलब वो खाल मार गए अड्डा टेढ़ा मेढा कौन कर सके। हाँ यहाँ रगड़ दे नीचा, हाँ यहाँ शाबाश जचा के रगड़ दे। हाँ तो एक जमीन का माँ एक पागा इंगा बैठ जाए, नहीं वे ओ खाल मार के इन्हें भी न कर कौन सके। हाँ शाबाश बैस ओ फिट हो गयो यहाँ, मतलब लाइन वाइज देख ले कठी कोई तरह की कोई दिक्कत ला गया था ने, आ साइड ज़्यादा ही दबा पर ली, इनली साइड ज़्यादा दबा मतलब, और आगे है टेढ़ी जगह, अठे तो एकदम सुई है जगह, पूरी की पूरी लाइन हमने सेटिंग की है। इसी में आज जो है कम से कम 1.5 घंटे का समय लग गया मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो कार्य है ये ज़रूरी था करना। इन बाड़ों में जो ठाण पड़े हुए थे वो भी बाहर निकाल के लेकर के आए हैं, क्योंकि बाड़ों में इन ठाणों का अब कोई काम नहीं है, गायों को जो है थोड़ी बहुत है बाहर धूप चाहिए, धूप में आराम से गाय चर सकें, इस प्रकार से इन ठाणों को पहले जो है खेजड़ी के नीचे यहाँ लगाए हुए थे तो छाया थी, अब गायों को छाया की ज़रूरत नहीं है, धूप की ज़रूरत है, धूप निकलती है तो गाय धूप में आराम से चर सकें, इसलिए इनको ये सेटिंग किया है। देखो ये पूरी की पूरी लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार से, धूप में इस लाइन को पूरी को सेट कर दिया है, ऊंचो है नी, अब ठीक है लाइन लगभग ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आड्डा मेडा टेढ़ा है, तो ये तो एक है बैस गायां कर दे छोड़े को नहीं, हाँ थोड़ा बहुत करे भी नहीं, इंग माँ एक दो कुंडो इंग माँ चारों घेर दो ले आगे, कुंडो घेर दो क्या बोरों घेर दो, दोनों जना जागे आधो बोरो चारों लियाओ इम और घेर दो, खाली नहीं रहना चाहिए ठाण। तो ये देख रहे हैं हमारा जो लक्ष्य था 1000 क्विंटल चारे का वो आज पूरा हो चुका है, आज एक लास्ट पिकअप अभी आने वाली है, शाम तक आ जाएगी, और ये जो पिकअप है लास्ट की जब खाली होगी तब यहाँ पर चारा जो है लगभग 1000 क्विंटल पूरा हो जाएगा, और एक दिन 2 दिन में 4 दिन में जब भी लोडर वाले को समय मिलेगा हम लोडर लेकर आएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं पहले से जो चारा इकट्ठा किया हुआ है उसी के पास में यहाँ पर, पास में क्या है इसके ऊपर लगा करके मतलब एकदम इस तरह का इसको पर्वताकार बनवा देंगे, ताकि तिरपाल आराम से लगा सकें, कोई भी मैणियाँ तिरपाल इसकी व्यवस्था तो ज़रूरी है भाई करनी, क्योंकि 1000 क्विंटल चारा है तो कम से कम ये मतलब 6 लाख रुपए का 6.5-6 लाख रुपए का खर्चा जो हुआ है इसकी सुरक्षा करनी अति आवश्यक है, पैसे लगेंगे तो लगेंगे,
ये देखो ये पिकअप यहाँ तक खाली की हुई है, आगे तक खाली कर रखी है। जैसे जैसे इनको जगह मिली आगे से आगे डालते गए, आगे से आगे डालते गए, जहाँ पर इनकी पिकअप फंसती है वहीं पर डाल देते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने देखो खाली कर रखी है पिकअप। ये पूरा का पूरा चारा है जो लोडर से उठा उठा करके, जो आप वो जगह देख रहे हैं उस चारे के पास में, वहाँ ले जानी पड़ेगी सारी की। तो मेरे यूट्यूब परिवार, इस प्रकार की जो है व्यवस्था सेटिंग करने के बाद खानों की, कुछ धूप में लगा दिए हैं, कुछ टीन शेड के नीचे एकदम सही तरीके से लगवा दिए हैं, और अभी जो है मैं करूँगा सुंदरकांड का पाठ जो प्रतिदिन धाम पर चलता है। गायों के लिए एकदम व्यवस्था सेटिंग रखनी ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार की मुझे अव्यवस्था लगती है तो मैं तुरंत उसको ठीक करवाने का प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले मैं गायों के पास ही आता हूँ, आते ही सबसे पहले मेरा काम कीड़ियों को, चींटियों को भोजन देना, दलिया जो मिला करके रखा हुआ है गाड़ी में परमानेंट रहता है, उसके बाद गायों को संभालना, ये मेरा कार्य है प्रतिदिन का। आप देख रहे हैं एक गो माता भक्त गांव गुंसाई सर बड़ा हाल पुणे से 1100 रुपया, दिनेश जी गोदारा गांव राशि सर नोखा बीकानेर से 100 रुपया, मूल सिंह जी राठौड़ गांव बामण फलोदी जोधपुर से 151 रुपया, शोभा जी कछवाहा नगर लंदन विदेश से 1082 रुपया, महेंद्र सिंह जी हनुमान सिंह जी राजौतिया गांव शेखुपुरिया सिरसा हरियाणा से 151 रुपया, हेमेंद्र वामनगिरी जी गोस्वामी नगर वज्रेश्वरी भिवंडी महाराष्ट्र से 251 रुपया, और मयंक जी चौहान नगर खामपुर न्यू दिल्ली 8 से 501 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।